रोहतक पहुंचे ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेडियर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सोलंकी, निजी होटल में की पत्रकार वार्ता, आने वाले विधानसभा को लेकर की चर्चा, सभी 83 सीटों की जीत को लेकर विश्वास बनाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधानसभा में अपनी एकतरफा जीत हासिल करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराएंगे। ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जितने भी विधानसभाओं में कैंडिडेट उतारेगी हमारी ब्रिगेड ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्राम स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक उनके लिए वोट घर घर जाकर के मांगेगी। हमारा ये उद्देश्य रहेगा। एक और सवाल, आपके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में सीएम का दावेदार कोई दिखाया जाएगा? अभी पार्टी हाईकमान ने कोई भी सीएम या सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। जब पार्टी चुनाव में जीत करके आएगी, 83 सीट जीतने का ऐलान करते हैं हम हरियाणा प्रदेश के अंदर और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्या कांग्रेस के अंदर हरियाणा में चुनाव अशोक तंवर जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे? अभी पार्टी हाईकमान ने अशोक तंवर जी को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है, अध्यक्ष के ही उसमें नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर पार्टी हाईकमान किसी और को तवज्जो देती है तो हम उसके साथ। कहने में आया कि कांग्रेस दो फाड़ है, इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सभी नेता एकजुट होकर के हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे।